हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार वीडियो। दोस्तों भाई, ये जो गाड़ी है आप देख रहे हो, गाड़ी का कारोटर है दो, एक कारोटर है ऑटो चौक, एक कारोटर है आपका मैनुअल चौक और एक कारोटर है आपका ऑटो चौक वाला। अब इस कंपनी जो आजकल गाड़ियां आ रही है, ज्यादातर आप देखते हो कि उसमें ऑटो चौक लगी होती है, यानी कि ये वाली चौक लगी होती है, ये ऑटो चौक है। ऑटो चौक और अभी पुरानी जो गाड़ी आ रही थी उसमें ऑटो चौक नहीं थी, उसमें मैनुअल चौक थी। अगर आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो कि भाई ऑटो चौक मेरी गाड़ी का बार बार लग जाता है, कोई समाधान नहीं मिल रहा, कोई समस्या मतलब आ रही है, परेशान हो रहे हो, तो ये चीज़ मैं आपको सोल्यूशन इसमें बता दूंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ऑटो चौक काम किस प्रकार करता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी गाड़ी आप चाहते हो कि ऑटो चौक से आप ऑटो चौक को ही मैनुअल चौक में करना है, यानी कि बटन दबाओ चौक काम करे, बटन को बंद करो चौक काम करना बंद कर दे, तो कैसे करोगे, सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और इससे ज़्यादा जानकारी यूट्यूब से ज़्यादा जानकारी मैं आपको इंस्टा पर देता रहता हूँ, तो इंस्टा पर जाकर फॉलो कर लो, फीडबैक वीडियो डालता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। इंस्टा का लिंक नीचे डाल दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले तो मैं आपको चौक का सिस्टम समझाता हूँ, चौक होती किस लिए है, चौक किस लिए दी गई है, चौक का काम क्या होता है। देखो ये जो चौक है, जब हम गाड़ी में, ये ऑटो चौक नहीं है, ये मैनुअल चौक है, ठीक है, कंपनी वाली, ये पल्सर गाड़ी का कारोटर है, पल्सर 180, ओके। अब इसकी अगर मान के चलो सुबह सुबह स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, तो हम क्या करते हैं, चौक खींच लेते हैं। चौक खींचने से होता क्या है, आपको पता होगा शायद, चौक खींचने से हमारी गाड़ी में पेट्रोल एक्स्ट्रा जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी कंबक्शन सिस्टम है, पेट्रोल ज़्यादा जाने से हमारी गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है, मतलब ब्लास्ट जल्दी हो जाता है, इस वजह से चौक दी गई है, ओके। अब मान लो आपकी गाड़ी में ऑटो चौक नहीं है, मतलब मैनुअल चौक नहीं है, ऑटो चौक है, तो आप ऑटो चौक को कैसे मैनुअल करोगे, मतलब मैनुअल चौक कैसे करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, अब बात करते हैं ऑटो चौक की। अब ये ऑटो चौक जो है इसके अंदर दे रखी है, ये रही ऑटो चौक, मैंने इसको निकाल दिया है, ये यहाँ लगी होती है प्रॉपर, यहाँ पर ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से यहाँ पर लगती है, जैसे कि आप देख रहे हो। कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी में इंजन हीटिंग सेंसर जो होता है, इंजन टेम्परेचर सेंसर, वो ख़राब हो जाता है, और उस खराब होने की वजह से हमारी ये जो ऑटो चौक होती है ऑटोमेटिक काम करती रहती है, और कभी कभी हमारी गाड़ी में टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की ऑटो चौक काम करती रहती है। ये काम जब करती है, जब गाड़ी का इंजन ठंडा होता है, और इंजन ठंडा कैसे पता लगता है गाड़ी को कि इंजन ठंडा है, वो इंजन टेम्परेचर सेंसर जो होता है, वो इंजन टेम्परेचर सेंसर इसको बताता है कि हाँ भाई इंजन ठंडा है, तू अब फटाफट से काम करने लग जा। जैसे ये काम करती है तो ये ऐसे हो जाती है, यानी कि ऐसे हो जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये हमने खींची तो ये भी पीछे की तरफ हो गई, और इसको हम खींचेंगे इस तरीके से तो ये भी इस तरीके से हो जाएगी ऐसे करके। तो जैसे ही ये खींचती है, ये पेट्रोल की सप्लाई जो होती है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा चले जाती है आपके हेड के अंदर, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब मान लो आप ऑटो चौक से बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो आपको ऑटो चौक मैनुअल में कैसे करना है, अब मैं फाइनली ये बताता हूँ उसके ऑटो चौक के फाइनल में कैसे करोगे। देखो ये जो मोटर है छोटी सी आप देख रहे हो, ये ऑटो चौक वाली मोटर है, ओके। अब ये मोटर जो है सही है या ख़राब है, ये कैसे पता लगेगा आपको, सबसे पहले तो आपको इसको देखना है, एक आपको एक छोटा सा कपलर लेना है, आपको पहले चेक करना है वाकई में इसका जो ऑटो चौक है सही है या ख़राब है। ये हमने इस तरीके से लिया, ओके, हमें पहले इसको निकाल लेना है कारोटर से, और इसको निकालने के बाद इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, ये प्लस वाला वायर है, माइनस वाला वायर, एक बैटरी लेंगे और बैटरी के अंदर इसको कनेक्ट करेंगे, ये हमारा बैटरी है, ओके। अब ये जो वायर है हमारा माइनस में, ये हमारा वायर जाएगा माइनस में और ये जाएगा प्लस में, तो हम इसको चेक करते हैं फटाफट से बैटरी से कनेक्ट करके। तो ये जो वायर हमने वायर है इसको लगा दिया है, और ये वायर जो हमने इसको लगा दिया है, अरे वाह, जैसे ही हम इस वायर को इसे टच कर रहे हैं तो हमारी चौक काम कर जा रही है, यानी कि फर्स्ट क्लास काम कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब ये जो चौक काम कर रही है, हमें एक्चुअली करना क्या, हमें इसको करंट इस तरीके से देना है तक हमारी चौक लग जाए। अब ये जो चौक है ये लग तो रही है ऐसे, जैसे कि आप देख रहे हो। अब हमें क्या करना है, इसको बटन से कनेक्ट करना है, तो हमें पता लग गया है कि भाई ये चौक सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा जो चौक सिस्टम है इसको हमें मैनुअली करना है। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, एक बटन लेना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई हमने ली है, ये हमारा है बटन, ये बटन है हमारा ऑन ऑफ का, आप अगर चाहो तो ऑटो चौक से मैनुअल करने के लिए बटन लगा सकते हो, जैसे ही बटन को ऑन करोगे आपकी ऑटो चौक काम कर जाएगी, बटन को ऑफ करोगे चौक काम करना बंद कर देगी। तो ये होता है चौक का तरीका, ये मैनुअल आपका काम करेगा, मतलब ऑटो चौक को आप मैनुअल में बदल सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बटन है इसके अंदर दो तार दे रखी है, एक माइनस की एक प्लस की, माइनस वाली वायर जो है आपकी ग्राउंड वाली है, प्लस वाली वायर जो है आपकी मतलब मैन वाली, वैसे इसके अंदर आप कोई सी वायर कहीं भी लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चौक को लेंगे, चौक मैंने सिर्फ आपको इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, बाकी आपको कारोटर में से निकालनी नहीं है, आपको उसी में लगे रहने देनी है, बस ये जो कपलर अलग से निकल रहा है इस कपलर के लिए अलग से एक कपलर ले लेना है आपको, इस कपलर को इसके अंदर इन करना है प्रॉपरली, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्मूथली ये हमने कर दिया है। इसके अंदर से एक वायर आई है हमारी ब्लैक वाली, ये वाली, ये किसी भी बॉडी के अंदर टच कर देना, बॉडी के किसी भी पार्ट से टच कर दे मतलब कर देनी है। और उसके अलावा ये जो वायर आपको आ रही है ये इसके अंदर देना है आपको 12 वोल्ट का करंट। अब कैसे दोगे मैं बता देता हूँ, ये जो दो वायर आप देख रहे हो इसके अंदर, इसको पहली बार को इसमें कनेक्ट करना है ऐसे करके,
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है यार, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब आपको बहुत आसानी होगी इसको फिट करने में, और आप खुद घर में बैठ के कर सकते हो यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो वायर है इसके अंदर देख रहे हो, मैंने मेन वायर जो थी इसके अंदर कनेक्ट कर दी है, और ग्राउंड वाली वायर मैंने ऐसी छोड़ दी है क्योंकि ये माइनस में जाएगी। फिलहाल मैं इसको माइनस वाले वायर में कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इस प्लस वाले वायर को इससे कनेक्ट किया जैसे कि आप देख रहे हो, और इस वाले वायर को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, और माइनस वाला वायर ये वाला है, तो मैंने फिलहाल इसके अंदर इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड, ये हमारा कनेक्ट हो गया एक तरह से, और ये देखते हैं, ये देखो काम कर रहा है, तार हिल गया वहाँ से हमारा, ये हमारा तार हिल जा रहा है बाहर, ये देखो देख रहे हो ये काम कर रहा फर्स्ट क्लास, मैंने बटन दबाया ये काम कर गया, मैंने बटन छोड़ा काम करना बंद, बटन काम कर गया और ये बटन बंद, ये काम कर गया बटन, ठीक है, और ये बंद, ओके, ये देखो मतलब मस्त यार, मतलब और क्या चाहिए, ऑटो चॉक को मैनुअल में बदल दिया, ठीक है, ये फसला, ये बटन थोड़ा पुराना है, ठीक है, मतलब मैंने निकाला है स्क्रैप से बहुत सारे, मैं नया नहीं रखता है बटन, रखता भी तो बहुत अभी है होगा नहीं मेरे को, ठीक है। तो ये जो है हमारा काम कर रहा है फर्स्ट क्लास। तो ऑटो चॉक को आपको जब भी मैनुअल करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। और जब आप ऑटो चॉक यूज़ करोगे मैनुअल में, तो आपको 20 सेकंड तक ये बटन दबाना है और गर्म होने के बाद छोड़ देनी है गाड़ी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आपकी जो आ रही है वो खत्म हो जाएगी। ये कब, इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक वायर जो है अपनी ग्राउंड में देना है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी जिन्होंने जिनको मैंने बोला था कि भाई हाँ ऑटो चॉक में मैनुअल बनाऊंगा और तरीका बताऊंगा। अब भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो कैसी लगी है मुझे बताना जरूर, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगे हैं इस वीडियो के अंदर, आपके लिए एक छोटा सा काम किया है, और ये जो तरीका था कैसा लगा, इस तरीकों को अपनाओगे नहीं अपनाओगे आप मुझे बताना, कमेंट करके जरूर बताना, और इंस्टा पर फॉलो कर लेना, काफ़ी सारी वीडियो काफ़ी सारी नॉलेज मैं इंस्टा पर देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।